फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 0 to π। टुडे वी विल डिस्कस एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। देखिए, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड डिफाइन इन ए डोमेन डी, जो फंक्शन है एफ जेड वो किसी डोमेन डी में डिफाइन है, विच इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट, जो कि डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट के, डोमेन के हर एक पॉइंट पे जब आपके पास वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शन। देखिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल वे में है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिफरेंशिएबल होता है तो उसको हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। सिंपल तरीके से ये बात बोली गई है, ठीक है। जैसे हम रियल वगैरह में जब पढ़ते थे तो हम बोलते थे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम उसको बोलते थे कि वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसमें क्या है, जब कॉम्प्लेक्स में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें यही बोला है, जब फंक्शन एफ ऑफ जेड है अगर वो डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में के हर एक पॉइंट पे, तब उसको क्या बोलेंगे, हम एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आती है, देखो, कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है। ये इसी इक्वेशन का यूज करके हम चेक करेंगे कि कब कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, तो इसलिए इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करने में, ठीक है। देखिए, कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, ऐसी टाइप का होता है, यू फंक्शन होगा एक्स और वाई का प्लस आयोटा वी फंक्शन होगा एक्स और वाई का, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ा था हमने तो हमने यही तो पढ़ा था, एफ ऑफ जेड इक्वल होगा यू प्लस आयोटा वी, और यू और वी फंक्शन हो गए एक्स और वाई के, ठीक है। इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई, देन ये क्या कह रहा है कि इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है, कि यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली वी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वी का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये एग्जिस्ट करने चाहिए। और एंड देखो, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये एग्जिस्ट करने चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। U का जब करोगे x के रिस्पेक्ट में वो इक्वल होना चाहिए v का जब करोगे y के रिस्पेक्ट में उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, एक तो ये कंडीशन है, सेकंड क्या है कि आप जब u का करोगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वो इक्वल होना चाहिए माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, जब आपने u का x के रिस्पेक्ट में किया तो वो v के y के इक्वल होना चाहिए, जब आप u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तब वो माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल होना चाहिए। ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कोची रीमान इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CR इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या बोलते हो आप, CR इक्वेशन, और ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, ठीक है यहां तक। तो देखो, कोची रीमान इक्वेशन की बात करेगा तो याद रखना, कोची रीमान इक्वेशन की, जैसे ही उसने बोला कि कोची रीमान इक्वेशन क्या होंगी, तो आप बोलोगे u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होगा v का y के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही फिर u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो अब माइनस लग जाएगा v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ये दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तब हम बोलेंगे वो क्या करता है, कोची रीमान इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए, सफिशियंट नेसेसरी कंडीशन तो ठीक है, अब पूछा है सफिशियंट कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, सफिशियंट कंडीशन क्या है एफ जेड की एनालिटिक हो, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि ये सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। सबसे पहला तो यही है कि यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यू का वाई के रिस्पेक्ट में, और वी का एक्स के रिस्पेक्ट में,
और v का y के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करे। सेकंड है देखो कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे वो इक्वल हो v का y के रिस्पेक्ट में, और जब आप u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो वो इक्वल हो v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तब हम बोलेंगे वो फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो मेनली देखो अगर आप सिर्फ सेकंड प्रूव कर देते हो कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है गिवन फंक्शन, तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। अगर वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इस सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम बोलेंगे फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन है तो वो ये जो CR इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करता तब हम बोलेंगे वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने किस लिए बोला है कि सिर्फ ये प्रूव कर देना, क्योंकि देखो ये एग्जिस्ट करेंगे तभी तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है आपके पास, एनालिटिक फंक्शन है। तो आपको CR इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है, कि u का x के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे ही जब u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो इक्वल होगा माइनस v का y x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड क्या आपकी CR इक्वेशंस हैं। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन है देखिए, fz इज इक्वल टू में xy प्लस iota y, हमें शो करना है ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। तो एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें CR इक्वेशन को प्रूव करना होगा कि ये CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है एनालिटिक फंक्शन शो करने के लिए। तो देखो CR इक्वेशन क्या थी, कि u का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होगा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के। और सेकंड क्या थी हमारे पास, कि जब आप u का करोगे विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। यही थी, अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो गई तो हम बोल देंगे फंक्शन एनालिटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, आप ये बताइए f ऑफ z को आप ऐसे लिखते हो ना, u प्लस आयोटा v, तो कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू क्या है, xy, u क्या है आपके पास xy और v क्या है आपके पास y, कंपेयर करोगे तो यही आया। अब u का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हो तो y जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का तो 1 हो गया और y क्या हो गया, एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट नंबर के उसमें लेके चल रहे हो। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो अब x कांस्टेंट हो जाएगा, तो y का करोगे तो 1 हो गया, तो क्या आया x। ऐसे ही देखो v का करो x के रिस्पेक्ट में, 0 हो गया क्योंकि x की टर्म ही नहीं है इसके पास। v का करोगे आप y के रिस्पेक्ट में, कितना आया 1। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, कि जो ये है u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है पार्शियल डेरिवेटिव v विद रिस्पेक्ट टू y। और सेकंड हमारे पास है कि u का डेरिवेटिव करोगे इक्वल होगा माइनस v का x के रिस्पेक्ट में। अच्छा अब ये बताइए, यहां से निकाल लिया आपने वैल्यू y, तो ये तो वैल्यू y है, क्या वो इक्वल है 1 के, क्या y इक्वल है 1 के, नहीं। सेकंड देखिए, अब u का किया आपने y के रिस्पेक्ट में, क्या आई वैल्यू x, इक्वल है ये बोल रहा है 0 के, क्या x इक्वल है 0 के, नहीं, ये वैल्यू तो इक्वल नहीं आ रही, मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, नॉट एनालिटिक, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को शो करना है कि यू और वी जो है आपका वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता तो एफ जेड जो है वो क्या होगा, नॉट एनालिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एफ जेड इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर पूछा है, ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन है, अदरवाइज बोलेंगे वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो u की वैल्यू क्या आई आपके पास, एक्स स्क्वेयर। एफ जेड किसके इक्वल होता है, u प्लस आयोटा v के इक्वल होता है। तो u क्या आया, एक्स स्क्वेयर, v क्या आया, वाई स्क्वेयर। v है आपके पास वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 2x। अब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जीरो। यहां से अब v का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो गया, y के रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो क्या आएगा, 2y, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है, देखो अगर ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे फंक्शन एनालिटिक है, अदरवाइज नहीं है। CR इक्वेशन क्या है कि u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होना चाहिए v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होना चाहिए माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो यहाँ x होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2x, मतलब ये क्या बोल रहा है कि 2x इक्वल होना चाहिए 2y के। क्या इक्वल होगा 2x 2y के, नहीं है, तो मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ से सेकंड देखिए, बोल रहा है जीरो इक्वल है जीरो के, सेकंड कर रहा है लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ये क्या है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सी आर इक्वेशन तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोलेंगे जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है नॉट एनालिटिक, नॉट एनालिटिक फंक्शन। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए क्या है, अगर फंक्शन आपके पास एनालिटिक है, अगर फंक्शन आपके पास एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, और डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कंटिन्यूअस भी होगा। हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस, ठीक है यहां तक। अगर एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंशिएबल है तो एनालिटिक होगा, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। ये हमने देखो क्या कर दिया, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो एनालिटिक तो होगा ही ना, अगर हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो गया तो फंक्शन एनालिटिक हो ही गया, ये तो डेफिनेशन ही थी। तो हम ये बोलेंगे अगर एनालिटिक है तो आप बोल सकते हो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल हो गया तो वो कंटिन्यूअस तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ डिफरेंशिएबल है वो हर एक पॉइंट पे, तब हम बोलेंगे वो एनालिटिक तो है, ठीक। देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एनालिटिक होंगे इन देयर डोमेन, ठीक है। तो ये आपको देखो एनालिटिक फंक्शन समझ आ गया होगा, सीआर इक्वेशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। सीआर इक्वेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अब उसके पोलर फॉर्म में देखते हैं कि क्या कंडीशन लगती है, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या होगी, देखिए कोची रिमान इक्वेशन या फिर सीआर इक्वेशन। एफ जेड हमारे पास फंक्शन होता है यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म का, प्लस आयोटा वी की फॉर्म का। यू और वी फंक्शन होते हैं एक्स और वाई के। यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल होता है, पोलर फॉर्म की बात कर रहा है, तो एक्स किसके इक्वल था, आर कोस थीटा के, ये हम पढ़ चुके हैं। वाई किसके इक्वल था, आर साइन थीटा के, और आर की वैल्यू क्या थी आपके पास, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और थीटा क्या था, टेन इनवर्स y बाई एक्स,
ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे x क्या है, r cos थीटा, y क्या है, r sin थीटा, r क्या होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, थीटा क्या है, tan इनवर्स y बाई x। तब कोची रिमान इक्वेशन क्या होगी कि ये दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो वो क्या होगी, सीआर इक्वेशन है पोलर फॉर्म में। ये दो इक्वेशन जो है वो क्या है, सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। ठीक है, देखो क्या है, अब u का अगर हम करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि देखो x और y फंक्शन है ना r और थीटा का, तो ऑटोमेटिक u फंक्शन हो गया r और थीटा का। तो मतलब u का डेरिवेटिव निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, वो इक्वल होना चाहिए 1 अपॉन r v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक तो ये इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है कि u का अब थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वो इक्वल होना चाहिए माइनस r v का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम क्या बोलेंगे, सीआर इक्वेशन बोलेंगे इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि सीआर इक्वेशंस कौन सी हैं, फोर ऑप्शन देगा और वो पूछ लेता है कि कौन सी है, तो पोलर फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको और सीआर इक्वेशन जो इससे पहले मैंने कराई थी एक्स और वाई की जो फॉर्म में थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हार्मोनिक फंक्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन। देखिए हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स और वाई का फंक्शन है, कोई फंक्शन आपके पास एक्स और वाई का है, उसको आप कब बोलोगे हार्मोनिक फंक्शन, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एग्जिस्ट करने चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और पार्शियल डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का एग्जिस्ट करना चाहिए और वो सेटिस्फाई करे किसको, लैप्लास इक्वेशन को, तब उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। तो यही डेफिनेशन लिखी है, एनी फंक्शन एफ पजेसिंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन को इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। अब ये लैप्लास इक्वेशन होती क्या है, देखिए अगर आपके पास फंक्शन है एक्स और वाई का, फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, तो लैप्लास इक्वेशन क्या कहती है कि इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस करो पार्शियल डेरिवेटिव निकालो सेकंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इन दोनों का जब सम करोगे तो वो इक्वल टू जीरो आएगा, तो वो क्या होगी आपकी लैप्लास इक्वेशन होगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है हमारे पास, हार्मोनिक फंक्शन है। अब देखिए अगर f ऑफ z आपके पास किस फॉर्म का होता है, u प्लस आयोटा v की फॉर्म का होता है, और आपको पता है आपके पास u जो फंक्शन होता है वो x और y का होता है, और जो v फंक्शन होता है वो भी x और y का होता है। ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू में यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक फंक्शन, अगर एनालिटिक फंक्शन है देन यू और वी क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो यू और वी क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यू हार्मोनिक होगा वी हार्मोनिक होगा, इसका मतलब ये है, देखो यू किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, तो यू का जब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे डबल सेकेंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यू का पार्शियल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो इक्वल होना चाहिए जीरो के, तभी तो इसने बोला है यू हार्मोनिक फंक्शन है, यू हार्मोनिक फंक्शन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर वी हार्मोनिक फंक्शन है तो वी फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे डबल डेरिवेटिव वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस डबल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब यही तो है, यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है, तो हार्मोनिक के लिए यही तो कंडीशन होगी। तो मतलब अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो मतलब यू एंड वी क्या होंगे आपके, हार्मोनिक फंक्शन, और हार्मोनिक फंक्शन है तो मतलब क्या है, ये दो कंडीशन वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है पूछा है एफ
एक्स वाई इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं। अगर हार्मोनिक फंक्शन होगा तो देखो एफ के पास किसका है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो मतलब एफ का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस एफ का वाई के रिस्पेक्ट में करोगे आप डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, तो वो होना चाहिए जीरो के। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे एफ जो है आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है। तो कीजिए देखो, आप इसका एक बार डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, 2x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब y के डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 2 हो गया यहां से। अब इसका क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो यहां से तो 0 हो गया, यहां से क्या आया माइनस टू वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस का 2 आ गया यहां से। अब इन दोनों देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनका सम ही तो करना है। अगर इन दोनों का सम इक्वल टू जीरो आ गया तो बोलेंगे एफ क्या है हमारे पास, हार्मोनिक फंक्शन है। तो कर दो सम, इसकी जगह पे क्या है वैल्यू 2 प्लस इसकी जगह पे क्या है माइनस का 2 इक्वल टू जीरो, आ तो गया सम इक्वल टू जीरो, मतलब जो ये गिवन फंक्शन है वो क्या है आपके पास, हार्मोनिक फंक्शन है। सिमिलरली ये भी आप ट्राई करके देख लेना, ये भी सिमिलरली क्या आएगा आपके पास, हार्मोनिक फंक्शन। अगर इसी जगह पे प्लस का साइन हो जाता तब ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं होते, क्योंकि तब आपके पास 2y हो जाता और 2 और 2 प्लस हो जाता यहाँ पे, फिर वो 4 हो जाता, 4 नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब प्लस के केस में नहीं होता और माइनस के केस में ये दोनों क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। तो किसी फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन शो करने के लिए आपको लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होगा, और लैपलास इक्वेशन आपको पता ही है ये होती है, ठीक है। आप देखते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन, नेक्स्ट है देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है ये। अगर u जो फंक्शन है भी हार्मोनिक फंक्शन, u जो है x और y का फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन है अगर, देन ए फंक्शन v इज सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। u अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो हम फंक्शन v को हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलेंगे u का, कब, अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर v जो है खुद भी हार्मोनिक हो, u तो है ही हार्मोनिक, अगर v खुद भी हार्मोनिक हो और जो u और v दोनों CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, अगर ये दो कंडीशन हो गई तो हम बोलेंगे जो v है वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, ठीक। और CR इक्वेशन हमें पता ही है कि ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन है देखिए कि u और v जो फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन है, लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है। हार्मोनिक तो फंक्शन तो है लेकिन कॉन्जुगेट नहीं है। तो देखो कॉन्जुगेट के लिए तो हमें क्या शो करना है कि वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा u और v बोथ, और v क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब हम बोलते हैं कि वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। लेकिन देखो इसने बोला है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए हमें प्रूव करना है, ये हार्मोनिक फंक्शन तो है, इसने ऑलरेडी गिवन है यू और वी हार्मोनिक फंक्शन है, तो हमें ये तो शो नहीं करना। हम अगर ये शो कर दे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तब हम बोलेंगे वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं है। तो सबसे पहले हम शो करते हैं ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो देखो इस एक क्वेश्चन से हम दोनों कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे कि हम शो करते हैं ये जो है आपके पास हार्मोनिक फंक्शन है। तो देखो हार्मोनिक फंक्शन शो करने के लिए हम क्या शो करेंगे कि u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होगा जीरो के, और इधर से हम बोलेंगे कि v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव v का विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होगा जीरो के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तब हम बोलेंगे u बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन है और v भी बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन है। अच्छा अब u का पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया 2x, फिर से करो क्या आया 2, ठीक है यहां तक। अब u का y के रिस्पेक्ट में करो क्या आया माइनस का 2y
डबल डेरिवेटिव करो माइनस का 2, तो मतलब देखो ये वैल्यू तो आ गई 2 आपकी और ये वैल्यू आ गई माइनस 2। 2 माइनस 2 क्या हो गया 0, मतलब हार्मोनिक फंक्शन है, मींस u क्या है आपका हार्मोनिक फंक्शन है। सिमिलरली जब आप v का करोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1, डबल डेरिवेटिव करोगे v का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया 0, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो माइनस का 1 और डबल डेरिवेटिव करोगे तो 0। तो मतलब 0 प्लस 0 आई वैल्यू मतलब 0, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है लैपलास इक्वेशन को, मतलब u और v दोनों क्या हो गए आपके हार्मोनिक फंक्शन हो गए। अब हमें शो करना है कि ये हार्मोनिक कंजुगेट है। हार्मोनिक कंजुगेट के लिए हमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई करानी होगी, मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर इक्वल आ जाए v के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के, और u का पार्शियल डेरिवेटिव अगर y इक्वल हो जाए v के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस का साइन। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हम बोलेंगे वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है हार्मोनिक कंजुगेट है। तो देखिए u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x है, और ये बोल रहा है v के y के इस रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ये कितना है माइनस 1। क्या 2x इक्वल है माइनस 1 के? नहीं, तो मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली देखिए y u का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2y आया, और ये बोल रहा है v का x के रिस्पेक्ट में 1। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, मतलब ये इसको भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। मींस CR इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये क्या है हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है हार्मोनिक कंजुगेट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब हमें अगर एनालिटिक फंक्शन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास देखो सिर्फ u गिवन हो तो आपको v की वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो आपका u प्लस आल्टा v f ऑफ z बनेगा। मतलब क्या है, अगर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू गिवन हो, या तो u गिवन हो या v गिवन हो, तब आपको पूरा एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z बनाना हो तब आप कैसे बनाओगे? या फिर आपको u गिवन हो और v की वैल्यू निकालनी हो तो v की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इस देखो कैसे करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर आपके पास u गिवन है और v निकालना हो, या v गिवन है और u निकालना हो, तब उस केस में हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले देखो अगर u गिवन है, u हमें पता है फंक्शन है x और y का, अगर आपके पास u गिवन है तो आप u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालो। इसको फाई 1 का नाम दो, इसको फाई 2 का नाम दो, ठीक है। तो f ऑफ z आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ फाई 1, जो आपने ये निकाला है फाई 1, यहाँ पे x की जगह पे z पुट कर देना, y की जगह पे 0, ठीक है, dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ फाई 2 जो आपने निकाला है z 0 dz। यहां से आपके एफ जेड क्या हो जाएगा? एनालिटिक फंक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे आपके पास u गिवन है x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, हमें f ऑफ z निकालना है क्या होगा, और हमें u v भी निकालना है क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, u दे के पूछेगा v की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले u गिवन है तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y निकालना होगा, तो निकालिए 3x स्क्वायर, यहां से 3y स्क्वायर, ठीक है, यहां तक पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यही आएगा, क्योंकि y जो है कांस्टेंट हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव में, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? फाई 1 x और y के। सिमिलरली u का y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 6xy, क्योंकि यहां तो y के टर्म है नहीं तो ये 0 हो गया, और ये किसके इक्वल है? फाई 2 एक्स वाई के, यही तो बोला है। और हमें निकालना क्या है? फाई वन जेड जीरो, एक्स की जगह पे जेड, वाई की जगह पे जीरो। तो रखो एक्स की जगह पे जेड पुट करोगे तो 3z स्क्वायर, वाई की जगह पे जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो, तो
तो मतलब 51z0 हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे 52z0। निकालो, x की जगह पे z, y की जगह पे 0, तो ये वैल्यू में पुट करोगे तो ये पूरा ही क्या हो गया, 0। ठीक है, तो f ऑफ z क्या होगा फिर हमारा, f ऑफ z होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 51z0 dz माइनस आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ 52z0 dz। अब ये वैल्यू तो क्या है हमारे पास, 0, और यहाँ पे क्या है 3z2, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3z2, इंटीग्रेशन करेंगे तो z की क्यूब, और कॉन्स्टेंट साथ में चलता ही है, तो f ऑफ z की वैल्यू आ गई z की क्यूब प्लस c। यहाँ तक आपका क्लियर, तो f ऑफ z क्या हो गया, z की क्यूब प्लस c। f ऑफ z इक्वल हो गया आपके पास z की क्यूब प्लस c। ये क्या है आपका, एनालिटिक फंक्शन है। तो यहां तक पूछता है एग्जामिनर तो ठीक है, लेकिन अगर वो पूछता है v की वैल्यू बताइए क्या होगा, अब u fz आ गया और u पता है हमें, और वो पूछे v की वैल्यू क्या होगी, तो देखो z हमें पता है किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के, हमें पता है, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, x प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस c, f ऑफ z यही तो है, तो वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x की क्यूब माइनस आयोटा y की क्यूब प्लस 3x² आयोटा y माइनस 3xy² प्लस c। अब देखो आयोटा वाले टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, रियल जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या बना, x की क्यूब माइनस 3xy² यही तो है, माइनस आयोटा वाई की क्यूब प्लस 3x² y। ठीक है यहां तक। अब यहां पे देखो, ये तो आपका u है ही, और हमारे पास फंक्शन होता है u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, तो यहां प्लस होना चाहिए, तो मैं यहां माइनस ले लेती हूं अंदर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब जब आपने कंपेयर किया, ये प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस का, ये माइनस का, जब आप इसको कंपेयर करोगे u प्लस आयोटा v से, तो u तो आपका ये है और u गिवन भी यही है, तो कंपेयर करने पे v की वैल्यू क्या आ गई, v आ गया आपके पास y की क्यूब माइनस 3x² y। तो इस तरीके से अगर आपको फंक्शन निकालना हो, प्लस c भी कर लेना, फंक्शन निकालना हो तो भी निकाल सकते हो, और अगर आपसे वो बोले u गिवन हो और v निकालना हो तो भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो तब था जब आपके पास u गिवन था, अगर क्वेश्चन में u की जगह पे वो v गिवन देता तब क्या करते। ठीक है, u गिवन था तो भाई हमें पता है ये मेथड अप्लाई करना है, अगर v गिवन होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे देखिए, उसके लिए आप क्या करोगे, अगर v गिवन होगा तो सेम ही है, कुछ अलग हटके नहीं है। देखिए अगर v गिवन है आपका, अगर v गिवन होगा तो देखो क्या होगा, v का जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो याद रखना उसको xi 2 का नाम दोगे, ना कि xi 1 का। जब v का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो xi 2, जब v का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो उसको xi 1 नाम दोगे। ठीक है, तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, xi 1z0 dz प्लस आयोटा, अब इससे पहले वाले में हमने माइनस किया था, यहाँ पे क्या होगा, प्लस आयोटा xi 2z0। सेम वही प्रोसेस है, v गिवन होगा तो हम ऐसे करेंगे, बस ये याद रखना जब x के रिस्पेक्ट में करोगे v का पार्शियल डेरिवेटिव उसको xi 2 का नाम दोगे। ठीक है, तो ये आप इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन अपने आप कर लेना सोल्व, तरीका मैंने बता दिया है, सेम यही सी प्रोसेस से चलना है, रूल आपके सामने है। ठीक है, देखिए कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ z, कंटिन्यूटी शो करनी हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो कैसे करेंगे, अगर fz कंटिन्यूअस होगा पॉइंट z नोट पे, इफ एंड ओनली इफ लिमिट z टेंडिंग टू z नोट, f ऑफ z इक्वल होगा f ऑफ z के, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट f ऑफ z, अगर f ऑफ z नॉट के इक्वल आ गया तब हम बोलेंगे फंक्शन क्या आपके पास कंटिन्यूअस है। अब है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए
फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं एफ ऑफ जेड की, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कैसे शो करेंगे कि एफ ऑफ जेड कब डिफरेंशिएबल होगा एट ए पॉइंट जेड नोट के ऊपर ऑफ डी, डी क्या है डोमेन, जेड नोट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, कब होगा डिफरेंशिएबल, जब ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट जेड माइनस जेड नोट, या फिर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड नोट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड ओवर एच एग्जिस्ट करे, या तो ये एग्जिस्ट करे या आप ये भी बोल सकते हो कि ये एग्जिस्ट करे, अगर ये एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली तब हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है पॉइंट जेड नोट पे डिफरेंशिएबल है, और उसको हम डिनोट करते हैं एफ डैश जेड नोट। और देखिए एक नोट है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब हम ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तब हम ये बोल सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोल सकते हैं वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन अगर वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तब हम ये नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंशिएबल है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट थे, एक क्वेश्चन बता देती हूँ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन के ऊपर, फिर हमारा टॉपिक ये यहीं पे क्लोज होता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए, इफ एफ ऑफ जेड इक्वल है यू प्लस आयोटा वी, अगर जेड नॉट इक्वल टू जीरो है और जीरो है अगर जेड इज इक्वल टू जीरो है, वेयर यू आपके पास गिवन है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी है आपके पास एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो ओवर जेड माइनस जीरो, देन वैल्यू अलोंग वाई इज इक्वल टू में एक्स की क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछी है, जब वाई इक्वल टू एक्स होगा तो आपको इस लिमिट की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो देखो सबसे पहले आप बताओ एफ ऑफ जेड आपका किस फॉर्म में निकलेगा, एफ ऑफ जेड आपके पास कैसा होगा, यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में है, यू क्या है आपके पास एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यू तो ये है प्लस आयोटा वी एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहीं पे पूछूं एफ ऑफ जेड क्या होगा, जेड मतलब एक्स और वाई की जगह पे आपको जीरो पुट करना है क्योंकि एक्स और वाई इक्वल है, और एफ ऑफ जीरो में पूछ रही हूं मैं आपसे, तो एक्स की जगह पे भी जीरो वाई की जगह पे भी जीरो, जब आप इसमें पुट करोगे तो ये वैल्यू भी जीरो और ये वैल्यू भी जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो आपके पास जीरो आ गया, यहां से एक बात तो शो हो गई आपके पास। अच्छा अब देखो हमें निकालना है ये लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो को मैं डायरेक्ट जीरो बोल दूं यहां से, अपॉन में जेड माइनस जीरो मतलब जेड। ठीक है, अब देखो आपके पास एफ ऑफ जेड है क्या, जब और एफ ऑफ जेड आपके पास ये है, अपॉन में इसके जेड करना है। अच्छा ठीक है, एफ ऑफ जेड हमारे पास ये है और गिवन कंडीशन क्या है कि वाई इक्वल होगा एक्स के, एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे, तो क्या मैं इस एफ ऑफ जेड के अंदर एक्स और वाई की इक्वल वैल्यू पुट कर दूं, जहां पे भी वाई है वहां पे मैं एक्स पुट कर दूं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा एक्स की क्यूब प्लस एक्स की क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में जेड, जेड होता क्या है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई, यही होता है, लेकिन एक्स और वाई तो इक्वल है तो मतलब अपॉन में एक्स प्लस आयोटा एक्स बोल दूं मैं, वाई की जगह पे एक्स पुट कर दे, ठीक है यहां तक, और इसके ऊपर लिमिट लगानी है आपको जेड टेंडिंग टू जीरो। ठीक, तो आप देखो कैसे करेंगे, लिमिट यहां से आप देखोगे एक्स की क्यूब
माइनस एक्स की क्यूब प्लस आयोटा एक्स की क्यूब प्लस आयोटा एक्स की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो सेम है, और यहां से एक्स प्लस आयोटा एक्स। ठीक है, अब मैं एक्स की क्यूब कॉमन ले सकती हूं ऊपर से, तो देखो यहां पे एक्स की क्यूब से तो एक्स की क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, टू आयोटा एक्स की क्यूब, तो एक्स की क्यूब कॉमन ले लेते हैं। लिमिट z टेंडिंग टू जीरो, एक्स की क्यूब कॉमन लिया आपने, टू आयोटा आया यहाँ पे अपॉन में, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ये टू एक्स स्क्वायर है तो मतलब टू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स कॉमन लो वन प्लस आयोटा, ये एक्स की क्यूब है तो ये एक्स की क्यूब कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा। तो जब आपने लिमिट पुट की तो आपके पास आंसर आया आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, तो ये क्या होगा आपका आंसर। कभी कभी आंसर इस टाइप से ना देके वो क्या करता है, ऊपर भी वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता है, नीचे भी वन माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे अगर आपके पास ऑप्शन गिवन हो वन माइनस आयोटा, सेकेंड ऑप्शन गिवन हो वन माइनस आयोटा अपॉन टू, थर्ड ऑप्शन गिवन हो वन प्लस आयोटा, और फोर्थ ऑप्शन गिवन हो वन प्लस आयोटा बाय टू। अब हमारा आंसर तो ये आया है आयोटा और वन प्लस आयोटा, अब ऑप्शन ये है तो इस टाइप में क्या करेंगे आप, इसका रैशनलाइजेशन कर दो, आयोटा वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा। तो देखो यहाँ पे तो आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन प्लस वन, दैट इज आयोटा प्लस वन बाय टू, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से लिमिट वाले क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। आई होप समझ आ गया होगा, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का भी हो गया आपका और कंटिन्यूटी का भी हो गया है। सो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बस इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितना आपके से सब्जेक्ट से रिलेटेड था, एग्जाम से रिलेटेड है, मैंने लगभग सारा कवर कराया है। अगर आपको किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।